हम आए हुए हैं कुतुब विहार फेस टू गोला डेरी छठ घाट के ऊपर, जहाँ पे आज छठ पर्व मनाने के लिए पूरी तैयारी बड़े जोर शोर से की जा रही है। यहाँ इसके आयोजक श्री शैलेंद्र पांडे जी भी आए हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। शैलेंद्र पांडे जी, अभी आपने छठ घाट पे बोर्ड लगाया हुआ है, आज ही पहली बार मैंने देखा ये बोर्ड, ये अब क्यों लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया गया इसको? सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं शैलेंद्र पांडे छठ की बधाई देता हूँ आप सभी को, छठ की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आपने पूछा बोर्ड के विषय में, तो ये 20वां साल है छठ पूजा करते हुए, 20 वर्ष से लगातार हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं। पिछले साल कोरोना काल के कारण छठ पूजा नहीं हो पाया था। हमने 2019 से अपने क्षेत्रीय विधायक से मांग किया था कि इस पर एक छठ घाट का बोर्ड होना चाहिए, लेकिन अभी तक छठ घाट का बोर्ड नहीं लग पाया, क्योंकि पिछले साल कोरोना भी चला गया। तो इस वर्ष हम लोगों ने आपस में मिलकर कोर्ट के एडवोकेट भी अजय कुमार जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि छठ पूजा के अवसर पे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो ये देख के यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इन भाइयों का जो मेहनत है ना, ये तो अपने आप में एक मिसाल है। इतने अच्छे ढंग से तो मैंने कभी बिहार में भी छठ की तैयारी नहीं देखी जितना इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। और ये आने वाली पीढ़ी को ये ना विरासत सौंप रहे हैं, जो पीढ़ी हमारी सभ्यता संस्कृति भूल रही है, ये आयोजन जो होता है ये हम अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में बताते हैं कि हमारी क्या कल्चर है, हमारी क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है। और मैं इस आयोजन के लिए और इस तरह की व्यवस्था के लिए शैलेंद्र पांडे जी और इनकी टीम को तहे दिल से